हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस तरह से हमने अपने जियो फोन से अपने फ़ोटो को दिवाली फ़ोटो फ्रेम में बदला है, और आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब अपने मोबाइल जियो फोन के मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो एंड वेलकम गाइज, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना जो है वो डेटा ऑन करना है। ये मैंने डेटा ऑन किया। डेटा ऑन करने के बाद आपको अपने ब्राउजर में जाना होगा। देखिए जब आप ब्राउजर में चले जाएंगे आपको यहाँ पे टाइप करना होगा फ्रेंड्स। आप अच्छे से देखिए PIXIZ, उसके बाद डॉट देना होगा, उसके बाद COM, उसके बाद स्टार दबाना है और नेक्स्ट, इधर रेड बटन के ऊपर वाले को नेक्स्ट करना है। और ये देखिए ये जो स्लैश का निशान है, सॉरी फ्रेंड्स, ये स्लैश का भी जो निशान है, उसके बाद आपको लिखना होगा फ्रेम FREME। फ्रेम लिखने के बाद आपको फिर से स्टार बटन को क्लिक करना है और नेक्स्ट करके थ्री वाले बटन को प्रेस करना है। तो ये देखिए pixiz.com/frame, और उसके बाद फिर स्लैश लगा के आप वहाँ लिखना है दिवाली। दिवाली का स्पेलिंग आप अच्छे से देखिए DIWALI, दिवाली, उसके बाद आपको इंटर कर देना है। उसके बाद जो फर्स्ट में आएगी फोटो मोंटेज दिवाली पिक्सेल, उसको आपको क्लिक करना है। जब ये लोडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स तो मैं मेन पेज पे जाना पड़ता है मुझे हर बार। मैं आप लोगों को सभी वीडियोस में बताए हैं कि मेरा ब्राउज़र में ये अपडेट है, तो मैं मेन पेज पे चला गया। उसके बाद देखिए जब आप नीचे इससे पूरी तरह से लोडिंग हो जाएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए बिल्कुल सेम मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे दिवाली का बहुत सारा फ्रेम्स दिख जाएगा आपको। ये चार फोटो वाला है, इसको आप इसमें चार फोटो डाल सकते हैं। नीचे और भी बहुत सारे फ्रेम्स है, ये देखिए इसमें इस तरह से है, आप कोई भी एक फ्रेम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो चूज करने वाला हूँ वो ये ले रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। आप कोई भी ले सकते हैं, तो बेसिकली उसे ही ले रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए। जब ये फिर से लोडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ गैलरी में जाना है। तो ये मैं गैलरी में चला गया। मैं एक फोटो चूज करता हूँ। देखिए मैंने एक फोटो सेलेक्ट किया, के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। देखिए इसके नीचे एड्स हैं, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है,
नहीं तो आप दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जब भी आपके सामने कुछ इस तरह हो जाएगा तो इसे लोडिंग करने दिए, आपको फ़ोटो अपलोड करने में इसे थोड़ी टाइम लग जाएगा, जिस हिसाब से अच्छी फ़ोटो होगी तो अच्छे टाइम लगेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे दीपक जले हुए हैं, इधर साइड में हैप्पी दिवाली भी लिखा हुआ है। तो और आपको यहाँ पे फेसबुक से आप डायरेक्ट यहाँ से यहीं से फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको डाउनलोड हुआ कि नहीं वो दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे डाउनलोड हो चुकी है।